तो चलिए भाई लोग, आप लोग लाइव से जुड़िए, लाइव को शेयर कर दीजिएगा देखने के बाद। तो जो भाई लाइव को देख रहे हैं, लाइव को एक एक बार शेयर कर दीजिए, काहे कि अब मेरा ये जो वीडियो है लास्ट है जो खेसारी लाल यादव भैया के लिए है। तो जो भी भाई मेरे लाइव से जुड़ रहे हैं, विनती है कि एक एक शेयर कर दीजिए, कि वीडियो को देख लें, सुन देख है लाइव में कोनो सिंह राजपूत आ कोनो फलानवा कमेंट कैलन तो मंगनी में माई बहन करे लगे, हमरा ऐसे चुपचाप हमार बात के रखे दे, गरियबे तो फिर माथा मत खोल, लाइव गाड़ी देवे के नहीं आयल, हम अपन बात के रख तनी, कोनो कमेंट कह दिल उल्टा सीधा तो कहे ला अपना माई बहन के भोरे भोरे रामायण सुने ला बेचैन बड़े, जैसे हमार पहले बात सुन ले अस्पष्ट, तोरा अंदर जातिवाद के भूत बा, अपन जातिवाद के भूत अपना पिछवाड़ा में रख, हमरा लग नहीं खे, हम अपन बात कहे नहीं। जे भी भाई जुड़ा था शेयर करो लाइव के, काहे कि ये रे तोहर माई बा रे, तोहर माई कोठा पर किशन सिंह राजपूत जाके देवेला 200 में, आवा फालतू मत बोल, तोरा मना कर कमेंट मत कर, तो ज्यादा ही मत कर, बात समझिए भाई लोग। अच्छा अब कमेंट जरा करे के बाद करे दो, से हमरा हाथी चले बाजार तो भोके वाला बहुत कोई बा, कल हम एक वीडियो मतलब जैसे कि मेरा बॉलीवुड एंटरटेनमेंट के महेश भैया एक वीडियो मतलब मेरे ऊपर बनाए थे, उनका वीडियो देख रहे थे, वीडियो देखते देखते दो दिन पहले का एक वीडियो देखे जिसमें बोल रहे हैं कि साफ तौर पे मुझे चढ़ाया गया और मुझे कोई मदद नहीं किया, और मदद वो किया जिसके लिए हम अनजाने थे। आप हमको एक बात बताइए भैया, हम काहे सपोर्ट करेंगे खेसारी लाल यादव का, हम क्यों उनके सपोर्ट में अब किसी को गाली देंगे? और हाँ, किसी को ये लग रहा होगा कि हम किसी से डर गए हैं, तो इतना एक माँ का कोई दूध नहीं पियाया कि हम किसी से डर गए, मेरा अपना निजी फैसला है, इसलिए पर्सनल फैसला लिए हैं हम। हम कल शाम को ही पोस्ट किए थे, लेकिन थोड़ा शूटिंग कर रहे हैं, शूटिंग आज भी है, इसलिए हम इतना जल्दी लाइव आए हैं कि बारिश थोड़ा हो रहा है, बारिश खुद खत्म होते मेरा शूट अभी जो गाना मेरा ट्रेंडिंग में चल रहा है जहाँ गोली चलेला दीने दहारे, उसका वीडियो शूट कर रहे हैं एकदम ब्रांड वीडियो, तो इसलिए हमारे पास समय सुबह में मिला है, इसलिए हम आए हैं। तो आप एक बात बताइए, महेश पांडे पिछले 5 साल से भैया के सपोर्ट में वीडियो बना रहे थे, क्या भैया उनको महीना देते थे? भैया उनको महीना देते थे? नहीं, आप उनके दुख में खड़ा नहीं हुए, कल हो के इन फ्यूचर खुदा ना खास्ते मेरे साथ होगा, हुआ था सिलेंडर बोल दिए थे, लेकिन फिर भी हम सोचे कि ना जाने दिए, लेकिन क्यों क्यों? आपके पास संजय्या रहता है, आपसे पैसा संजय्या कमाता है, जब विशाल का वीडियो भेजे तब संजय्या मेरी माँ को गाली दिया, अरे हम आपकी माँ को गाली देता है तो हम लड़ते हैं, आपका स्टाफ आपका बुआ आपका चपरासी हमको गाली देगा? आपसे पैसा कमाता है, आपके पास 5 साल से है संजय्या, 5 साल से है, कभी एगो वीडियो उठा के दिखा दीजिए कि आपके पक्ष में कभी भी बोला हो, कभी भी नहीं। पैसा कमाता है आपसे, आपके नए मैनेजर आए बंटी, विशाल बोला विशाल आके वीडियो बनाया, आपके बंटी को ना बोलना चाहिए, सौरभ ऐश्वर्या ठीका थोड़े लिया है, बंद भैया आज से, ना 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 ना। और सुन विशालवा, तोरो से बोले तोरा से, तू हमारा बारे में कौन ची बोलता रहे, पहले सब पहले बात, आप हमको एक बात बताइए भाई लोग, अगर आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि हम अपना ये सब करके अपना नाम बना रहे हैं, तो हमको भैया अपना नाम नहीं चाहिए, हमारा नाम बहुत है, अब हमको खेसारी लाल यादव क्यों बोलेंगे भैया खेसारी लाल यादव के लिए क्यों? उसके टीम का लोग उसके सपोर्ट में नहीं बोलेगा, उससे पैसा के लालच में रहेगा, तो सौरभ ऐश्वर्या चुतिया थोड़े है भैया, चुतिया थोड़े है, आप ही बताइए क्यों बोलेंगे हम? आप कहते हैं देखिए बोलने का मन नहीं था, लेकिन बोलेंगे दिल खोल के, और हम किसी भोंसड़ी वाले के डर से इस फैसला को नहीं लिए, बाकी जिसको फरियाना होगा फरिया सकता है आके, अभी भी कोई हो, एवरीबॉडी एवरीथिंग, और अब आज के बाद अब मेरे मुंह से गाली तभी निकलेगा जब बात मेरे ऊपर आएगा, अब हम दूसरे के लिए किसी से नहीं लड़ेंगे, क्यों लड़े भाई? आज हम एक बात बताएं, आज मेरा ही मोतिहारी का राजन सिंह मुकुट था, आज हम लड़े,
लड़े ना उससे, किससे लड़े? राजन मेरा खेत कर लिया था कि राजन मेरा ये कर लिया था, लड़े ना किसके कारण? खेसारी लाल यादव के कारण। आज के डेट में खुदा ना खास्ते मेरा उससे रिलेशन खराब हुआ किसके कारण? खेसारी लाल यादव के कारण। आज मेरे मोतिहारी का, आज अगर मेरे साथ मेरा रिलेशन उससे अच्छा रहता, मेरा तबीयत खराब होगा तो सबसे पहले वो आएगा, ना कि वो लोग का टीम का कोई उठ के आएगा। लेकिन फिर भी रिलेशन किसके कारण खराब करे? राजन सिंह मुकुट के, खेसारी लाल यादव के कारण। आज मेरा राजन से अच्छा रिलेशन रहता, आपके कारण ना खराब हुआ, तो दो मिनट के लिए मेरे लिए फायदे का ही चीज़ था, मेरे लिए फायदे का ही चीज़ था, मेरे गाने का प्रमोशन करता, हम जो बोलते वो करता। लेकिन हम ये सब किसके कारण बिगाड़े? खेसारी लाल यादव के कारण। तो हम चुतिया हैं, सबसे बिगाड़ रहे हैं। प्रियांशु सिंह म्यूजिक डायरेक्टर, हम प्रियांशु सिंह से बिगाड़ कर ले, आई प्रियांशु सिंह का म्यूजिक गाएंगे तो सबसे चुतिया सौरभ ऐश्वर्या का भाई। सब कोई लाइव को शेयर कीजिए, एकदम जो बोल रहे हैं सटीक बोल रहे हैं। महेश पांडे के साथ इतना बड़ा घटना घटा है, कोई खेसारी लाल यादव? आपको भैया, आपको भी बोल रहे हैं, आप भी दिखाइए तो तनी पब्लिकली आके प्रूफ किया। 2000 से भी हेल्प किए उनको, आपके टीम का कोई 5 रुपया का हेल्प दिखा दे तो जो आपके लिए लड़, और जो आपके लिए लड़ रहा है आप उसके लिए खड़े नहीं है, जो आपके पीछे पीछे घूम रहा है, जो लड़की बाजी या छोड़ी बाजी कर रहा है आप उसके सपोर्ट में उसको अपने टीम में रख के आप उसको पैसा से हर चीज से हेल्प कर रहे हैं, तो उसी सबको कहिए, बोलेगा वही सब आके आपके लिए लड़े, आपके लिए बोले। सौरभ ऐश्वर्या महेश पांडे इसीलिए ना नहीं बोल रहा है ना, तो इससे पहले अगर इतना छोटा विवाद रहता तो महेश पांडे का वीडियो कैसा आता? आता ना, तो फिर सौरभ ऐश्वर्या चुतिया नहीं ना भैया? सौरभ ऐश्वर्या चुतिया नहीं है, नहीं बोलेगा आज के बाद, वादा करते हैं, प्रॉमिस, अपनी माँ कसम, आज के बाद खेसारी लाल यादव किसी भी मैटर में मैं नहीं बोलने वाला हूँ, चाहे शुभम हुआ, चाहे विशाल हुआ, चाहे सूर्या हुआ, चाहे पवन भैया खुद, कोई कुछ आके बोले। आप हमको एक बात बताइए भैया, आज के डेट में प्रियांशु मेरे लिए, बात हुआ हम लोग के बीच, हम बोले प्रियांशु मेरा म्यूजिक बनाओ, रेडी हो गया, 1 रुपया का बात नहीं किया, 1 रुपया का बात नहीं किया, तो मेरे लिए खड़ा हो रहा है, हम कहे खेसारी लाल से रिलेशन खराब करें? आप लोग बताइए भाई क्यों खराब करें हम? तब ना जानते हैं, आप लोग भी 220 आदमी लाइव देख रहे हैं मेरा, शेयर कर दीजिए। आप लोग बताइए 220 आदमी एक ही बात, अगर आप किसी के लिए लड़िएगा वो आपके आपके लिए 1% का सपोर्ट नहीं करे तो आप कई दिन लड़िएगा? कई दिन लड़िएगा? एक को दिन नहीं ना लड़िएगा? तो आप हमको बताइए, उसके साथ जो जुड़ा हुआ है अखिलेश कश्यप, 2 मिनट के लिए अगर खेसारी भैया से कमाता है ना तो बेचारा गाड़ी भी सुनता है। विवेक सिंह मैनेजर थे ना, भले उनके ऊपर जो भी उनके मन में जो भी हुआ हो, रुपया की चोरी का आरोप, चाहे वो डिस डेट कुछ भी, लड़ता था अगला, बोलता था, लेकिन है संजय नया मैनेजर आया हो, माने हम जिसको भैया भैया कह रहे हैं उसको आके लोग मसूरिया कह रहा है, हम चुप जगह, ताकि सब जानता है कि एक है उस सबके बाप सौरभ ऐश्वर्या बोलेंगे। लेकिन अब सिस्टम बंद, कभी नहीं कभी नहीं, मैं अब किसी से रिश्ता नहीं खराब करूंगा। हाँ, मेरा जिसे पर्सनल मैटर है चंदन उपाध्याय से, उसका तो मैं एकदम फाइनल करूंगा, वो मेरा पर्सनल मैटर, और जिस दिन मेरे ऊपर बात आएगा उस दिन तो हम रामायण चलेबे करेंगे। लेकिन आज के बाद मैं किसी से, ए माफिया किंग छोटू आई, तोरा ऐसा कितना माफिया के हम साफिया कह दिन, यहाँ के मिल लिए, फोन कह के अइए कि हम मिले के बा, तोरा ऐसा कितना भंडुआ हमारा रोज मिले हैं ना कहता, सुनत रह हमारा बात कह दे, फालतू मत कर। तो भैया आप एक बताइए, जब उनके पास रहने वाला लोग नहीं बोलेगा तो हम लोग क्यों बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, देखें न हम देखें भाई, ऐसा नहीं थे कि लोग के विवाद ना हो निश्चित हो, देख लो मिलल रहे लोग फिर भेल कि ना भेल हो। दिन देखिए कौन कौन खेसारी लाल यादव भैया के टीम में मरद बा जो उनका फेवर में बोला था, फेवर में बोला था। बस हम इतने कहें भैया, महेश पांडे इतना अच्छा आदमी, इतना ही 1 रुपया का मदद कोई नहीं किया है तोरा के, कौन कह लो के खुदा ना काजते मानिया में इतना दुश्मनी करते हैं, उनको 2 गोलिये लग जाए, अगर मेरे घर का लोग फोन करेगा तो फोन ही नहीं उठाता ही सब, काहे बोलेंगे, काहे बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्यों किसी से रिलेशन खराब करेंगे? मेरे लिए अब सब कोई बराबर है। हमको अगर पवन सिंह गाना 2 मिनट के लिए देंगे, 2 मिनट के लिए गाना देंगे तो पवन सिंह मेरे लिए सोच रहे हैं, तब ना हम उनके लिए सोचेंगे। यार आपके पीछे घूमने वाला खाली आपके पैसा से, नाम से, सब्सक्राइबर से, फॉलोअर से, इंस्टा पर वीडियो से कमाएगा, और जो आपके लिए, और आपके जितना खेसारी लाल यादव भैया के लिए आप लोग जो लगते हैं कि यूट्यूबर है, मत बोलिए भाई, मत बोलिएगा, काहे कि खड़ा कोई नहीं होता है, कोई खड़ा नहीं होता। हमारे पास तो इतना है कि हम किसी से लड़ सकते हैं, आप लोग कुछ भी बोलिएगा ही कीजिएगा तो आप अपना समझिएगा, तरीके से कीजिएगा, कोई नहीं साथ देता है। महेश पांडे का वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो देखने के बाद
मेरा दिमाग खुला कि ना, जब वैसा महेश पांडे को टुनटुन यादव के तरफ से हाँ मिला था, पता है हमको भाई, वो टुनटुन यादव के लिए कभी एगो दूगो वीडियो बनाए होंगे। तो आपसे तो अच्छा टुनटुन यादव था कि बेचारा को एक फोन पर हेल्प किया है। आपके टीम में रहने वाले लोग को आप हेल्प कीजिएगा, वीडियो बनवाइएगा, ये कराइएगा, लोग आपके लिए लड़ेगा भैया, नहीं भैया, और लोग लड़े, लोग आपके लिए कुछ भी करे, हम लोग का ठीका नहीं लिए हैं। हम आज के बाद किसी को हमारा मैटर पड़ेगा तो फिर महाभारत रामायण सब चलेगा भैया। मैं अब आज के बाद किसी के लिए नहीं लड़ूंगा तो नहीं लड़ूंगा। हमसे जो भी गलती हुआ है हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं, इसलिए कि हमको लगता था कि नहीं वो आदमी सही है। लेकिन जब महेश पांडे का वीडियो हम कल देखे शाम में, क्योंकि उन्होंने मेरा एक वीडियो चढ़ाया था, उस वीडियो के बाद हम उनका दो दिन पहले का वीडियो देखे, तब हम कहे हो, तब हम पोस्ट किए थे कि दिल कर रहा था, लेकिन हम रात भर बहुत डिसीजन लिए। हम कहे काहे भाई, आपका एगो मैनेजर चोरी होता है तो आप मैनेजर बनाते हैं बंटी यादव, हमको आपका मैनेजर आपके टीम में रहेगा कोनो शौक नहीं के भैया, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, लेकिन आप दस गो अच्छा चलिए गो तो अखिलेश कश्यप सुनते हैं, विवेक एगो संजय है, और आपके पीछे दस गोरा घूमता है पंकज बिहारी तकोन सब मोगे है, सब काहे नहीं बोलता है, क्या कि आपसे सबको पैसा का लालच है, आपको सबसे नाम का लालच है, सौरभ ऐश्वर्या को नहीं। और आज के बाद मैं नहीं बोलूंगा, अपनी माँ कसम खा लिया हूँ, और मेरा सबसे रिलेशन, जिससे भी मेरा रिलेशन आपके कारण बिगड़ा है, मैं उसको डायरेक्ट फोन करके माफी मांगूंगा, सॉरी बोलूंगा, और सबसे रिलेशन को अच्छा बनाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए हमको अब अपना काम करना है, हमको अब प्रियांशु से भी रिलेशन अच्छा रखना है, हमको अखिलेश कश्यप से भी अच्छा रिलेशन रखना है, हमको अब राजन से भी अच्छा रिलेशन रखना है, हमको गौतम सिंह राजपूत से भी अच्छा रिलेशन रखना है। हम क्यों आपके कारण किसी से रिलेशन खराब करें, कौन फायदा हमको, कोई फायदा नहीं आपके पास, और आपसे फायदा के लिए हम नहीं इतना दिन से वीडियो, अगर आपसे फायदा के लिए रहना रहता भैया, तब मेरा जब राजन का मैटर हुआ था, मेरा और राजन का जब मैटर हुआ था, उसके उस टाइम तक भी आपके टीम का कोई भी 1% बंदा मेरे सपोर्ट में नहीं उतरा था, 1% आपके टीम का कोई भी बंदा, तो हम काहे लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, शेर हैं, झुकते नहीं हैं। लेकिन तब जब हम एक ही बात जानते हैं कि अगर हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं तो तुम भी मेरे लिए रहो। बाकी आपकी खुशी मेरा अपना पर्सनल ही था, आज के बाद मैं नहीं बोलूंगा, किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, और देखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमको पता है कि पवन सिंह भैया का बेटा है, तब पवन भैया भैये हो गए हैं, तब भैया के तीनों बेटा को वो सब उंगली करेगा विशालवा शुभम, वही तो तीनों मेरा पर्सनल टारगेट है, तो ये तीनों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। बात रहा पवन सिंह खेसारी, तो ये तीनों को, ये दोनों आदमी के मैटर में कोई भी ऐसा बात हो जाए, कोई भी, अगर विशालवा चाहे वो सब का औकात नहीं हमको बोलने का चाहे करने का, मैं आज के बाद इस मैटर में नहीं बोलूंगा, क्योंकि खेसारी लाल यादव के टीम में कोनो ऐसा नहीं है जो आपके दुख सुख में खड़ा रहे। तो भाई हम किसी दूसरे के कारण अपना रिश्ता काहे खराब करेंगे, राजन से अच्छा करेंगे तो 2 मिनट के लिए मेरे गाने का प्रचार भी कर सकता है। ए भाई डेरागिनी एक माँ का बोली, कोनो पैदा नहीं खेले लेकिन मिले, डेरानी ना भाई, तोरा ला लड़े मोम तो तू हमरा ला ना लड़ब, घर में बैठ के तू प्रवचन देब तो ना होई हो तरे ना चली, ओकर टीम के लोग सही नहीं थे, कारण हमें अपन डिसीजन लेनी है। जे पाँच साल सात साल से खेसारी लाल यादव से कमाता संजया, काहे ना विशाल जब मसूरिया बोलक तो बोलक, तो ओकनी के ना बोली हम चुतिया हैं, ओकनी के कमा ला तो ओकनी के ना बोलेला हम गंवावे ला बोली ना, बहुत बुद्धि खुल गेल बहुत, खाली एगो महेश पांडे के वीडियो देखला के बाद। आज से प्रियांशु भी हमर भाई बा, राजन सिंह मुकुट भी हमर भाई बा, हमारा सबसे रिश्ता अच्छा करे के बा, हम कोनो से रिश्ता ना खराब, काहे खराब करिए, नहीं के करे के, हमारा अपन काम, अपन डिसीजन हम जे लेनी है वही हमर एकदम निजी फैसला बा। अपने लोगन के अगर लागी कि हम गलत बोलतनी तो जे भी भाई खेसारी भैया के सपोर्टर हमरा फॉलो कर ले बारन, अनफॉलो कर सकता रहन, हमरा कोनो दिक्कत नहीं के भैया, हमरा ई पेज चलाइला से हमर रोजी रोटी ना चलेला, अभी ले हमरा बुझाता कि हम अपना फेसबुक से 75,000 फॉलोअर हो गए लेनु, 1 रुपया उठैलहुँ हो कि हमर माही टेक CMS सुमित भैया लंग बा, अगर केहू कॉन्टेक्ट से बात तो पूछ लियन कि आज ले 75,000 फॉलोअर बा, 1 रुपया उठैले हो कि फेसबुक से, ना
तो बस भाई ये हमारे पर्सनल अपन विचार बा। अब हम अपन सबसे रिलेशन सही करे जाते नहीं भाई, कोई दुख में खड़ा ना होला। ऐसे पहले हमारा एक बेर लागल रहे चोट, कोई ना खड़ा भेल, तो फिर अब दोबारा होए तो उसे अच्छा बा कि हम अपन ही करिए। और हाँ, अभी तो बात रहल पवन भैया और खेसारी भैया की, दोनों के बीच में ना बोले। अब विशालवा तू अगर तोरा पर्सनली हमरा से मिले के होए, फरियावे के होए तोरा कौनो के, तो नंबर तो बरलही बा, फोन करके फरिया लिए। ये हमार पर्सनल मतलब डिसीजन बा। ऐसा तू जान तारे कि धरती में हम कोनो से ना डरानी, कोनो से ना डरानी। तोहर इतना औकात नहीं के, तोरे को वीडियो देखो तनी, लेकिन वो वीडियो हमरा लग नहीं के पहुँचा लाल कांची गाली गलौज। तो याद रखिए विशालवा, जे दिन अपना जुबान पे सौरभ ले ले ले, तो समस्त जब मानत रही खेसारी लाल यादव भैया के, तो मसूरिया कह ले तो इतना गरिया नहीं, खाली सौरभवा कह देवे तो रामायण माई बहन फुआ चाची या काकी सब कह देव। ऐसे आज के बाद कौनो कोई भी मुझे बोलने से पहले सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से, कहा कि आज के बाद मैं किसी से लड़ने नहीं जा रहा हूँ, ना किसी से रिश्ता खराब करने जा रहा हूँ, ना किसी से रिश्ता खराब करने जा रहा हूँ। तो आपसे विनती है कि कुछ भी हमको लेने से बोलने से पहले आप बहुत अच्छे से सोच समझ के कुछ बोला कीजिएगा। विशाल बेटा आपको कह रहे हैं, शुभम और सूर्या तुमको, बाकी तुमको पवन सिंह को, खेसारी लाल यादव को गड़ियाना है, खेसारी लाल यादव की बेटी बहन को करना है, खेसारी लाल यादव का माई बहन करना है, तुम कर सकते हो आज से। सौरभ ऐश्वर्या तुम लोग को नहीं जाएगा बोलने, अपनी माँ कसम कह रहा है, तुमसे प्रॉमिस कर रहे हैं। अब बात रहा चंदन उपाध्याय का, तो चंदन उपाध्याय के माई में से भाई निकालेंगे भाई, मेरा पर्सनल मैटर है। बाकी चलते हैं, प्रणाम।